बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम झींगा बिरयानी बनाने जा रहे हैं। ये एक पतीली में पानी डाला, पानी में झींगे डालेंगे, बॉयल करेंगे इसे। बॉयल इसलिए करेंगे, बॉयल करके इसका पानी फेंक दिया जाएगा ताकि इसकी जो भी कोई किसी किस्म की भी स्मेल हो वो निकल जाए। अब ये देखें, ये बॉयल हो चुके हैं। बॉयल हो के इसका पानी फेंक दिया और ये बिल्कुल क्या कहते हैं क्लियर हो गए झींगे। तो प्याज लाल करेंगे, एक पॉट पैन में प्याज लाल करेंगे इसको। ये देखें प्याज लाल हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गई प्याज, और इसको हम एक इसमें धनिया मिर्चे हल्दी बिरयानी मसाला ये चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें ये चॉप किए हुए टमाटर भी शामिल इसमें, ये और दही, साथ में दही डालेंगे और गरम मसाला और इसको पैन में डाल के इसको क्या कहते हैं इसका मसाला बनाएंगे। फिर इसमें हम ये सारे मसाले इसमें डाल दिए और इसका मसाला बना रहे हैं। हरा धनिया इसको हम मसाले को भून रहे हैं। मसाले को भून रहे हैं और इस पे ये सब डाल के इसको मसाला बना रहे हैं। मसाले को भूना जा रहा है। मसाले को भूनने के बाद हम इसमें झींगे शामिल करेंगे। इसमें हमने बॉयल किए हुए झींगे डाल दिए। जिस तरह हम दूसरी बिरयानी में कौरमा बनाते हैं इसी तरह इसमें झींगे का सालन पहले बनेगा। झींगे का मसाला बन के तैयार होगा। झींगे हमने पहले बॉयल कर लिए तो इसलिए इसको बाद में डालें कि मसाला भुनने के बाद कि ये ज़्यादा गल ना जाए। ये देखें झींगे मसाला तैयार हो रहा है इसका।
मसाला तैयार। इसी तरह हम ये दूसरे पैन पे चावल बॉईल कर लेंगे। चावल बॉईल करके इसको पसा लेंगे और चावल डाल के इसमें मसाला हम डालते जाएंगे। मसाले की झींगे मसाले की तह लगती जाएगी इसमें। देखें इस तरह से हमने तय इसको लगा दिए। चावल डालते हैं, फिर मसाला डालते हैं, फिर इस तरह से इसकी तय लगा दी। अब इसको हमने दम के लिए रख दिया। ये देखें, ये ईशा झींगा बिरयानी तैयार है। झींगा बिरयानी तैयार है, बड़ी लजीज टेस्टी बिरयानी होती है। आप लोग भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हमारे